श्री रामचंद्र जगत के अधीश्वर। नवरत्नोज्ज्वल कांतिमान शक्तिशाली ज्योतिर्मय सूर्य वंशोत्पन्न सम्राटों ने युग युगांत से पालन किया है इस भूमि का। उसी वंश के प्रतीक इस राज मुकुट को धारण करो तथा प्रजापालन प्रजारंजन हित शासन करो राघवा। वशिष्ठ मुनीन्द्र, सभासदों तथा प्रजाजनों, आज हमारे सिर पे जो असीम भार है इसको ध्यान में रखते हुए, प्रजा हित को ही निज हित मानकर, प्रजा इच्छा को ही स्वेच्छा जानकर ये राज्य पालन करने की रघुकुल की मैं प्रतिज्ञा करता हूं। प्रजा के हित को सोच प्रेम भाव अभिमान अहम मन के सब विकारों से मुंह मोड़कर अपने पराये जन में भेद न मानते हुए राज धर्म को जीवन पर्यंत निभाने की आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं। प्रजाभिमत को मान के सुख और दुखों की इष्ट अनिष्ट की चिंता न करते हुए जनरंजन पूर्ण प्रजापालन के कर्तव्य की मैं आपके समक्ष प्रतिज्ञा कर रहा हूं। श्री रामचंद्र प्रभु की जय। जय जय राम, जय जय ने दशरथ नंदन, जय जय ने, जय जय राम, जय जय ने दशरथ नंदन, जय जय ने। सुंदर नाम मुख अभिराम, सुगुण धाम तुमको प्रणाम। सुंदर नाम मुख अभिराम, सुगुण धाम तुमको प्रणाम। वसुंधरा श्री राम की जय बोलो भाई, होय श्री राम की जय बोलो भाई। सब मिलके राम बोलो, राघव का नाम बोलो, श्री राम की जय बोलो भाई, होय श्री राम की जय बोलो भाई। Hello।
देखो वंश प्रधान सूर्य भगवान रघुकुल के मूल पुरुष इन श्री महेश्वर को पुष्पांजलि समर्पित करो राघव। सप्तास्य रथमारूढम् प्रचंडम् कश्यपात्मजम् श्वेतपद्मधरम् देवम् तम् सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् हम रघुवंशियों को धर्म पथ पे बढ़ाने वाले आपको रघुराम के प्रणाम। राघव पुत्र पौत्र प्राप्त हो। सीते कृपा दृष्टि के बिना आर्यपुत्र हमारा आगमन कैसे जान गए? इसमें नई क्या बात हुई सीते? प्रेयसी समीप जो आए तो वीणा तंत्री व हृदय तंत्री भी अनायास बज उठती है। ओहो, अब पता चला ये रत्न मंजीर ध्वनि सुन के जान गए हैं ना? सीते, रत्नाभरण भूषिता तुम्हें देख मुझे तो उस दिन मिथिला से अयोध्या आते समय की वो घड़ियां स्मरण हो उठी हैं। स्वामी, विवाह के प्रेमानुराग को फिर से छेड़ते हैं आप? सीते, तुम्हें वे घड़ियां याद हैं? कौन सी? उस रात्रि को इस सिंदूर तिलक संग सौभाग्य चिन्ह चंद्रबिंदु को आंका था। आर्य पुत्र सूर्यवंश उत्पन्न हो चंद्रबिंदु लगा के सर्व समदर्शी सार्वभौम का प्रतीक बताया था ना मुझको, तुम्हें याद है? यही नहीं, इस चिन्ह को मेरा प्रेम चिन्ह जान
तुमने वचन दिया था प्रिय कि इस चंद्रबिंदु को सदा लगाती रहूंगी, याद आया? स्वामी, उस वचन को मैं कैसे भूल सकती हूँ? सीते, गुप्तचरों, हमारे विषय में, लोकपालन के विषय में प्रजा का अभिमत क्या है? संतुष्ट प्रजा और क्या बोलेगी प्रभु, रामराज्य को धरती का स्वर्ग बताती है। मेरी प्रशंसा की बात तुम यहां करो नहीं, मैं उसे सुनूंगा नहीं। निंदा की बात कानू में पड़े बिना हम क्या बताएं प्रभु, कहीं भी दैनी दुर्भिक्ष नहीं, अकाल मृत्यु सुनी नहीं, चोरी जारी का भय नहीं, जहां कहीं भी गए राम राज्य की प्रशंसा ही सुनी प्रभु। हम संतुष्ट हुए, प्रजामत ही प्रभुता का प्राण है, तुम जैसे गुप्तचर ही हमारी आंख और कान हो, इसीलिए हम तुम्हें इतना पूछते हैं। प्रभु, केवल एक व्यक्ति, हाँ बोलो, कहता था श्री रामचंद्र महास्वार्थी पुरुष हैं। कारण बताया? हाँ प्रभु। क्या बताया? कहता था धार्मिक उत्सवों में दान दक्षिणा के लिए रामराज में ढूंढे से भी कोई भिखारी नहीं मिलता है प्रभु। अच्छा अच्छा, भद्र, तुम्हारा समाचार भी ऐसा ही है क्या? बहुकोटि देवों से पूजित राम राज्य में और दूजी बात क्या होगी प्रभु? एक बात याद रहे, सत्य महानिष्ठुर भी हो, कठिन भी हो, प्रभु से कहना तुम्हारा मुख्य कर्तव्य, मुख्य धर्म, भूलो मत। जाओ जाओ। अपना मुखड़ा कब तक मुस्काओगी, मुझको ललचाओगी, कुछ तो मुख से बोल, अरे मन मेरा क्यों तरसावेरी, मन मेरा क्यों तरसावेरी। वाह भाई बाबा, सुनो जी बाबा, पति और पत्नी है हम, पति और पत्नी है हम, पड़े पड़े यूं प्यार किया तो भूखो मरेंगे तुम और हम, भूखो मरेंगे तुम और हम। मोड़ मोड़ यूं अपना मुखड़ा कब तक मुस्काओगी, मुझको ललचाओगी। इधर उधर क्या झांक रही हो, कौन वहां तेरा हो गोरी, कौन वहां तेरा। इधर उधर क्या झांक रही हो, कौन वहां तेरा हो गोरी, कौन वहां तेरा। अरे अरे क्यों मुझ पर गुस्सा, आंखें लाल दिखाओ ना तुम, आंखें लाल दिखाओ ना। अरे रे बाबा, ये कैसे बातें, मुझे नहीं क्या जानते, हाँ मुझे नहीं क्या जानते। बार बार शक मुझ पे किया तो जाओ तुझे दिन मैं बोलूं, जाओ तुझे दिन मैं बोलूं। मोड़ मोड़ यूं
अपना मुखड़ा कब तक मुस्काओगी, मुझको ललचाओगी, कुछ तो मुख से बोल। अरे मन मेरा क्यों तरसावेरी, मन मेरा क्यों तरसावेरी। बड़ी तन्मय हो प्रभु। ऋषि आश्रमवास भी कितना प्रशांत, कितना आनंदमय। आर्यपुत्र, आप अनुग्रह करें तो एक इच्छा है मेरी। सीते, तुम्हारी इच्छा को साकार करने के सिवा और क्या चाहिए मुझे? पहले भी तो 14 साल तक सहधर्मचारिणी बन अनंत कष्ट बन में भोग चुकी हूं। आज तो मैं अयोध्यापुरी का अधीश्वर हूं और तुम महारानी हो, फिर गर्भवती हो। अपनी इच्छा बताओ, मैं पूरी करूंगा। प्रभु, एक बार भागीरथी समीप मुझको भेजे, प्रशांत मैं पुण्याश्रम में जाकर उन्हीं पत्नियों के आशीर्वाद लेने की इच्छा है मेरी। ये कैसी इच्छा है सीते? और इसी समय 14 साल तक अरण्यवास में कौन से कष्ट नहीं भोगे तुमने? ऋषि पत्नियों के आशीर्वाद ही पाना चाहती हो तो उन्हें यहीं सादर बुलवा लूंगा। नहीं, उन्हें कष्ट मत दें प्रभु। इच्छा यह है ऋषि आश्रम में मुनि पत्नियों को सहज प्रशांत परिस्थितियों में स्वयं देख कर आऊं। देवी, यदि तुम्हारी यही कामना है तो तुम विश्वास रखो, मैं अवश्य पूरी करूंगा। चलो। और क्या बिहारी जी, क्या बात है, सूखी मिर्चे चबा रहे हो? दुरक, बोल नहीं, गुस्सा लाने के लिए मिर्चे खा रहा हूँ। किस पर गुस्सा? अपनी पत्नी पर? चीची दुरक, कौन है मेरी पत्नी? वो मेरी पत्नी है राक्षसी, पिशाची, भूत, डायन। हाँ, उसका नाम लिया तो भूता बना दूंगा। इधर आ, इधर आ। किधर गई थी? आधी रात गए किधर भटक रही थी तू? किधर गई थी क्या? मैं बहन के घर गई थी। मुझे यहाँ छोड़ के बहन के यहाँ का काम सारी है? हाँ, मर गई रे। अरे तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मरी इसी पर निकल जा, घर की मर्यादा तक जला दी, बेसराम उल्टा निकल जा। आधी रात को कैसा मुर्दन, गौ का मारा था, पशु पशु होगा, पागल होएगा वाह। तुम नहीं जाना था, चुप रहा, इसे कच्चा जमा नहीं आओ। इसका काट के पीस के फिर खा जाऊंगा। इसने क्या किया है, तुम यूं क्यों उछलते हो? काहे नहीं उछलूंगा। हाँ। का क्या है, इसी को कहने दो ना, मुई गई थी सांझ को, आई आधी रात को। मैं अपनी बहन के घर गई थी, बोल तो दिया, फिर क्यों उछल रहे हो? चुप रही, बहन के घर गई थी, बाप के घर गई थी, लुच्ची छिनाल, मैं सब जानता हूँ। उसी सुअर के घर नहीं गई तू? वहाँ का काम था? अरे वो गधेड़ा, तो का इतना संदेह होता है का पीठ पर उठा के फिरा कर? राजा मुझे नहीं चाहिए, तुम अपनी उसको पीठ पर उठाए फिरा हो का? कान खोल कर सुनाओ, इसको मेरे घर कभी नहीं आने दूंगा, उसी साले के घर जाने दो पापन को। लड़की बिचारी तेरी पत्नी है ना, कहाँ जाएगी? पत्नी मानकर बहुत दिन तक पूजा, सर पे बैठाया, कहा हुआ भाग के बाद नहीं रखूंगा इस पापन को। तूने मेरी बिटिया को निकाला तो देखियो, अभी जाके राम प्रभु को बोले देता हूँ। जाओ बोल दो उसको, डरत हूँ का सच को भय का। अरे राजा राम तो अंधा है, रावण के घर रही सीता को लाके घर में रखा, सबको ऐसा ही करने को बोलेगा का? ये पोल पट्टियाँ नहीं चलेगी। चुप रहे गधेड़ा, कोई सुन लेगा तो मुंडी काट के भूम पर लूट का देगा। हाँ, क्या समझ रखा है? जा जा रे, उल्टा तेरी बेटी को रखने से तो वही अच्छा है। हाँ, बात तो सुनो। बात बात कुछ नहीं, मार मुख हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ओरी माँ। भद्र, इस बार क्या समाचार लाए? और क्या प्रभु, राम राज्य में प्रजा को किसी बात का कष्ट नहीं, यही समाचार है। भद्र, तुम जानते हो ये स्तुति और प्रशंसा मुझे प्रिय नहीं, मेरे दोषों की आलोचना प्रजा में हो रही हो तो बताओ, सुनूंगा। प्रभु,
दुर्जनों और पियकड़ों की झूठी बातें इस कान में पड़े तो उस कान से बाहर करूंगा, जपता फिरूंगा या प्रचार करता फिरूंगा। यही तो भूल है, कोई अपना दोष जानना चाहे तो सबकी बात सुननी चाहिए। भद्र, जो भी बात है बिना छुपाए बताओ। मन को दुख देने वाली बातें अपनी वाणी से कैसे कहूं प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा नहीं भद्र, अपना कर्तव्य तुम्हें अवश्य पालना है। कैसे कहूं रामचंद्र प्रभु, आज एक नर पशु ने पत्नी पर शंका कर उसे छोड़ दिया, उसे पीटा और ये बोला लंका में रही सीता को लाके अपने घर में रखने वाला अंधा राम हूं क्या मैं? प्रभु उस पागल की बात पर ध्यान ना दे प्रभु। किसी और से सुने बिना ऐसी कल्पना संभव है क्या? भद्र, ये निंदा तूने कहीं और भी सुनी? भद्र, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को बुलाओ। लंका और मेरी सीता, लंका और मेरी सीता, लंका और मेरी सीता। क्या हुआ? सपना देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। यही मेरे भाग्य में है। सहोदर जन, प्राणाधिक अपनी सीता से बिछड़ के मैं क्षण भी जीवित रहूंगा क्या? मुझको तुम में से कोई इस सिंहासन पर अधिष्ठित हो असह राज्य भार से अभी विमुक्त कर दो। अमंगल, शांत हो, शांत। अग्रज, सीता मां से बिछड़ेंगे राजकाज नहीं संभालेंगे। आपके मुंह से भ्रांति की बातें सुन रहा हूं। लक्ष्मण, ये भ्रांति नहीं, सत्य बोल रहा हूं। ना ये प्रभुत्व चाहूं, मर्यादा चाहूं, प्रजा को चाहूं। भरत, तुम्हारा कल पट्टाभिषेक करके सीता समेत मैं तपोवन में जा बसूंगा। अग्रज, आपको क्या हो गया? वो जो होना था वही, अब तो सीता का परित्याग करना है या सिंहासन का ही परित्याग करना है। अग्रज, आपकी बातें हमारी समझ में नहीं आई। क्या बताऊं, निष्कारण मुझे अपयश मिला। महान रघुवंश की प्रतिष्ठा के कलुषित होने के दुर्दिन आ गए। मेरी प्रजाजनों में किसी ने पत्नी पर संदेह करके उसे त्याग दिया और कहा कि मैं साल भर लंका में रही सीता को घर में लाके रखने वाला राम जैसा नहीं हूं। हाँ? कौन है वो नरपशु? अग्नि द्वारा शुद्ध हुई पुण्य प्रभुत सीता देवी पर निंदा थोपने वाले नीच कर अपमान कर डालो। लक्ष्मण, तुम प्रजा निंदा कर रहे हो। उस दिन जो अग्नि परीक्षा लंका में हुई थी उसको तुमने और मैंने देखा, प्रजा ने देखा। चाहे जो भी हो, प्रजा वाक्य पालना ही प्रभु धर्म है। मेरे लिए प्रभु पद अब उचित नहीं। यह अपवाद और फैलने से पहले सीता समेत मैं तपोवन में जा बसूंगा। तुम में से कोई एक इस राज्य भार को स्वीकार ले। अग्रज, अग्रज, हम तुम्हारे सेवक हैं, भृत्य हैं। यदि आपकी आज्ञा हो आज ही अग्नि में कूद जाए। हाँ, लेकिन राज्य त्याग वाली बात आप ना कहें, हम न सुने। भृत्य हूं, सेवक हूं, मुझे निरंतर दुख में डुबो देना ही तुम्हारी वांछा है। अच्छा लक्ष्मण, भाभी सीता को तुम
भागीरथी समीप अरण्य में छोड़ के आओ। अग्रज, अग्रज, ये वचन आप बोलते हैं राघव, कि वहां मेरे सुनने में भूल है। जगत की साध्वी सती सीता देवी, उन पे अब भी शंका करते हो? लक्ष्मण, लक्ष्मण, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, सीता पावनता से भी अति पावन मूर्ति। ऐसी सीता का परित्याग करना अन्याय नहीं क्या? न्याय अन्याय का विचार प्रभु के नाते मेरा है, भृत्य के नाते तुम्हारा नहीं। आज्ञा का निश्चय ही पालन हो। अग्रज, अग्रज, ये कठोर कार्य मुझसे ना होगा। जिस जगदम्बा को जन्म दे भूदेवी पवित्र बनी है, जिसके पुण्य चरण पढ़ने से ही रघुवंश पावन बना है, जिस परम पावन नाम स्मरण मात्र से ही पाप सारे दष्ट हो जाते हैं, ऐसी महासाध्वी लोकोत्तर चरित्र मातुल्य सीता भाभी को छोड़ा हूं मन में। ये महान साध्वी आदर्श पतिव्रत ब्रह्मरुद्र बृहस्पति विनय पूर्वक स्तुति करे अहो। ऐसी सती सीता महिला शिरोमणि के दारुण कानन वास की बात क्यों उठी मन में, इतने निर्दय क्यों बने हो भैया भैया। भैया आप पहले जैसे रामचंद्र नहीं रहे। अवश्य कर्तव्य पालन के लिए मैं दया क्षमा प्रेम आदि का कोई ध्यान नहीं रखूंगा। धर्म संयम युक्त प्रजानुरंजक राजा राम हूं। समझ गए भैया, समझ गए। आप केवल कीर्ति प्रतिष्ठा के लिए ऐसा कर रहे हैं। भरत, कीर्ति प्रतिष्ठा क्या, फूलोक सिंहासन भी सीता से अधिक नहीं है मेरे लिए। तो फिर ऐसी अर्धांगनी रत्ना को, आदर्श स्त्री को आपके मुख से वन में भेजने की बात निकले कैसे भैया? लक्ष्मण, सीता अर्धांगिनी है, यदि मैं परित्यागूं तो भूल नहीं, वो मेरी पत्नी है। किंतु इक्ष्वाकु राजा के समय से पिता दशरथ महाराज तक हमारे पूर्वजों द्वारा संचित कीर्ति मेरी नहीं, उसे कलुषित करने का अधिकार मेरा नहीं। आज से मेरी सीता बनों में और मैं सिंहासन के बंधन से बंधा, वियोग दुख में घुट घुट कर मरने के अतिरिक्त तेरे भाग्य में और कुछ नहीं, वो मिलन स्वप्न हो गया। भैया, लक्ष्मण, मेरी शपथ लो, ना मत कहो। सीता ने उस दिन मुनि पत्नियों को देखाने को कहा था, इस बहाने कल प्रातः उसे गंगा समीप अरण्य में छोड़ा। जो आज्ञा। भरत और शत्रुघ्न, ये रहस्य राजमहल में तुम्हारे अतिरिक्त कोई न जान सके, इसे गुप्त रखने का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। सावधान। तू है, ऐसे दुख समुद्र में मुझे डुबोया। अत्यंत प्रीति पात्र विश्वासी अनुज सोचा था, किंतु अनर्थ लाने वाला मेरा शत्रु निकला तू। अग्रज, राम भैया,
अग्रज, उस दिन जननी की बात मानकर पट्टाभिषेक करवा लेता तो आज मुझे ये संताप क्यों हुआ होता। किरीट नहीं, दुर्भर तुक कांटों से बना ये मुकुट इस अभागे के लिए तूने छुपा रखा था। भैया, सूरज के इस महाकार्य को तुझ एक दिया कैसे करता? रघुवंश के चक्रवर्ती महाराजाओं ने जिसे धारण किया उसे मैं धारण करता? ये रघुवंश प्रभु आप ही को साजे। इसीलिए विपदा पड़ी, उन नरेशों के धरे इस क्रीत को सिर पर रख के आज पूर्वजों की चिर संचित कीर्ति मिट्टी में मिलना जाए, लोकमत से इसलिए भयभीत होना था। फूली फाली मेरी जानकी का परित्याग करना पड़ा, कठिन कर्कश पाषाण हृदय होके अबोध को, गर्भवती को, आज मन को भेजना पड़ा। सीता देवी का परित्याग किया? भरत, भरत, तुमसे अनुरोध करता हूँ, मेरी बात मानो, मुझ पे यदि भक्ति भाव हो तो ये राज्य भार तुम उठाओ। अग्रज, जानकी के साथ मैं तपोवन में जा बसूंगा। अग्रज, अग्रज, पहले जननी के अपराध से आज तक शेष नहीं उठा सका, ये फिर कैसी परीक्षा? अग्रज, 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 मेरी बात तो तुम मानते नहीं हो, तुम मेरे अनुज नहीं, मैं तुम्हारा अग्रज नहीं, दूर हो सामने से। रामचंद्र, ये क्या मूर्खता है? पुरुषोत्तम और प्रभु बने हो, सुगुणाभिराम के नाम से प्रसिद्ध हो, अग्नि में शुद्ध हुई महासाध्वी और अर्धांगिनी को बनवास देकर तुम भी उस पर अब्जस खाना चाहते हो? अब तो इसी अब्जस का डर है माँ। जन्म लेके भूमि को पुनीत किया, जिसने ब्याह कर तुम्हारी कीर्ति ब्रह्मलोक तक पहुंचाई, रवि वंश में निज पतिवक्ष शक्ति के तेज और तप से तुम्हारे पितामह प्रपितामहों का उच्च देवलोक में गौरव दिलाया, ऐसी परम पावनी सीता का अपमान आज इस लक्ष्मी को त्याग के तुम सम्मानित होगे? नहीं माँ, नहीं, मुझे सम्मान नहीं चाहिए। सीता सती साध्वी है, वो निर्मल अंतकरण वाली है, मैं जानता हूँ। जान के ये कठोर कार्य तूने किया क्यों? कुलवधू के गुण दोषों का निर्णय सास ही करती है, यूं हम तीन सात अंतपुर संभालती हैं, किसी से बिना पूछे उस पुनीता को बन भेजने का क्या अधिकार था तुम्हें? कितना ही दुष्ट क्यों न हो, गर्भवती भार्या को स्नेह से देखता है, तरंगे उमंगे पूरी करता है, ऐसा न करके क्या बनों में भेजता है? इससे अधिक महापाप और क्या होगा? नहीं माँ, नहीं, इससे अधिक महापाप नहीं, इस पाप से छुटकारा भी नहीं। कितने दिनों के बाद अयोध्या के इस राजभवन में कहीं जाकर हम सुख आनंद में मग्न हुए थे, सीता का पुत्र हाथों खिलाती बेटे पाल पोस पुचकार कर धन्य होने के शुभ अवसर पर तुमने वज्रपात किया, सोचा नहीं ये तुमने क्या किया राम बेटे, ये तुमने क्या किया? ये कार्य बिना सोचे नहीं किया। प्रभु प्रजामत से बधा है माँ। प्रजामत क्या है? पागलों का प्रलाप प्रजामत है क्या? माता, वही तो कभी प्रपंच खड़ा कर देता है, जनता से विरोध करना ठीक नहीं, भविष्य में उनके दंत कथाएं भावी संतति पर बुरा प्रभाव डालेंगी, कहेंगी सीताराम पतित और भ्रष्ट थे, रघुवंश की बड़ी निंदा होगी माँ। कभी नहीं होगी, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुरंत भरत को भेजो, उस अभागिन बालिका के नयन जल बहने से पहले जानकी को यहाँ बुला लो। माँ, मातृवचन पालन से अधिक पुण्य कार्य भी कोई होगा माँ? तुम्हारा बेटा चींटी को भी न सताने वाला राम है, किंतु कठोर कार्य करने वाला प्रजापालक राजा राम है, इसकी सच्चाई स्वयं समझ लो माँ। सीता को लौटा लाने की बात न कहके साथ निभाने की आज्ञा दो माँ, जैसे पहले पितृवचन पालन किया था वैसे मातृवचन पालन कर राज्य छोड़कर मैं सीता के साथ तपोवन चला जाऊंगा माँ। आज्ञा दो माँ, आज्ञा दो। रामचंद्र, रामचंद्र। अहो भरत भावी प्रबल विलखित है जीवन मरण यश अपयश विधिहार, यश अपयश विधिहार, टल न सके
लिखेगा अरे विधाता तेरा लिखा विधान, महलों की महारानी बन को करती है प्रस्थान, विधाता तेरा अटल विधान, विधाता तेरा अटल विधान। सुख और सुख में दुख है समय बड़ा बलवान, कल क्या था और कल क्या होगा कोई न सका पहचान, लिखा भाग्य ने अश्वन चलते, लिखा भाग्य ने अश्वन चलते नारी का आख्यान, विधाता तेरा अटल विधान, विधाता तेरा अटल विधान। रघुकुल कीर्ति अमर हो जाए पूरी करने आए, धोबी के कहने पर होता सीता को बनवा, अग्निदेव का भी लो, अग्निदेव का भी लो झूठा पड़ता है वरदान, विधाता तेरा अटल विधान, विधाता तेरा अटल विधान। चली जा रही है रघुरानी अंश लिए रघुवंश का, रघुराजा के मन में कैसे क्षण आया विध्वंस का, इस नारी को देख चकित है, इस नारी को देख चकित है सारे वेद पुराण, विधाता तेरा अटल विधान, विधाता तेरा अटल विधान। चल न सकेगा अरे विधाता तेरा लिखा विधान, महलों की महारानी बन को करती है प्रस्थान, विधाता तेरा अटल विधान, विधाता तेरा अटल विधान। रामचंद्र इक्ष्वाक वंश में जन्म लेकर पत्नी के लिए राज्य का त्याग करोगे? धर्म के लिए मैंने अपने पुत्र का त्याग नहीं किया। हरीश चंद्र के वंशज हो, वचन भंग करोगे? राज तिलक के समय जो प्रतिज्ञा की थी याद करो उसे। रामचंद्र तुम जानकी नाथ ही नहीं जननाथ भी हो, हम तुम्हारे पिता पितामह आदि अपार कष्ट आने पर भी क्या प्रजा की भलाई भूले हैं? महामहिम जनों, मेरे समान धीर और पुण्य मूर्ति आप कहां और मैं कंकर कहा। तुम कंकर? रामचंद्र धीर गंभीर, तुम्हारे द्वारा ही रघुवंश की कीर्ति अजर अमर होगी, धैर्यवान। धैर्यवान? प्राण समान प्रिय सीय को छोड़ निष्प्राण मूर्ति कहां है धैर्य? राघव मैं तुम्हारा पितामह, मैंने इंदुमति का वियोग न कहा। कुमार रामचंद्र ये परीक्षा समय है, दुविधा छोड़ो,
और इस राज मुकुट के साथ रघुवंश की कीर्ति भी शिरोधार्य करो। मत भूलो, भावना से कर्तव्य ऊंचा है। भैया लक्ष्मण, क्या बात है, रास्ता भूल गए क्या? वनों में जाने वाले रास्ते आस्ते को क्या पूछे जननी? क्या हुआ लक्ष्मण, तुम्हारा मुख गंभीर क्यों, अप्रसन्न क्यों? ये महा आनंददायक पुण्याश्रम दर्शन अच्छा नहीं लगा, या तुम्हारे भाई की इच्छा के विरुद्ध मेरे अरण्य दर्शन की इच्छा तुम्हें बुरी लगी? ये बात नहीं, परम प्रेममय मातृ स्वभाव वाली जननी की इच्छा का बुरा मानो। कुसुम कोमल माँ के कष्टों को सोच सोच कर मेरा मन व्याकुल हो उठा है। माँ, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है लक्ष्मण, ये अरण्यवास मेरे लिए कोई नया है क्या? इस प्रकृति सौंदर्य को, इस मनोहर अरण्य को देख देख के मुझे आनंद ही आनंद होता है। कभी कभी तो ये जीवन इसी जगह बिता देने की अभिलाषा न जाने क्यों मन में उठती है। माँ, हाँ, क्या हुआ लक्ष्मण, अकारण दुखी क्यों हुए? आपके अपयश की बात सुनकर भैया ने यहाँ भेजा है। माँ, लक्ष्मण तुमसे सुनने में भूल तो नहीं हुई? नहीं जाननी, एक धोबी ने लांछन लगाया, राम ने लंका में रही सीता को अपना लिया, आपको मैं राम आज्ञा अनुसार इस बीहड़ महावन में छोड़ ले आया हूँ जननी। राम आज्ञा, राम आज्ञा। जननी, लोक माता, यदि सीता राम की पद सेवा में मैं पुनीत हूं तो गर्भवती इन महासाध्वी को कोई आपत्ति कभी छू ना सके। जननी, रामचंद्र इतने निर्दयी बन गए हो, मन पत्थर जैसा क्यों हुआ तुम्हारा? या अभी तक संदेह नहीं मिटा? नहीं, रामचंद्र जी को किसी संशय से या संदेह से नहीं माता, पर राजा होने के नाते रघुवंश कीर्ति को कलंक से बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा है। माँ, लक्ष्मण अर्धांगिनी हूँ, गर्भवती हूँ, मुझे वन भेजने से रघुवंश कीर्ति बढ़ेगी क्या? यही नहीं, रामचंद्र जो राजा है तो मैं रानी नहीं क्या? मेरा धर्म नहीं क्या? क्या मैं उनकी अब कीर्ति चाहती हूँ लक्ष्मण? माँ, साक्षात धर्म स्वरूपिणी को मैं तुच्छ सेवक क्या बताऊंगा? धर्म स्वरूप तो तुम्हारे अग्रज पूर्वजन पिता सभी कोई है, इस महाभागिन के निकट धर्म भला क्यों कराएगा? चाहे मैं पापी नहीं हूं, किंतु यदि मुझे सारी घटना समझा के ये आज्ञा मिलती तो निर्वासन ही क्यों, अग्नि में कूद पड़ने से आगा पीछा करती क्या? क्या ब्याह के पश्चात मैंने कभी साथ छोड़ा? श्री राम सेवा ही सर्वस्व मानती रही हूं, उनके चरणों में स्वर्ग सुख पाती रही हूं, मुखारविंद दर्शन में स्वयं मोक्ष मानती रही हूं। अब ये अपवाद सर पर मरकर वन में भेज दिया, इसीलिए क्या अग्नि परीक्षा ली थी, इसीलिए क्या अयोध्या लाए थे मुझको? क्यों रखो ये पापी जीवन? गंगा की गोद में सदा के लिए समा जाऊंगी। नहीं माँ, तुम्हें मेरी सौगंध है। लक्ष्मण, ऐसा ना करो माता, ऐसा अनर्थ ना करो।
श्री राम दर्शन मेरे भाग्य में जब प्राप्त नहीं तो फिर मैं क्यों जीवित हूँ? इस गर्भ के भावी रघुवंश की रक्षा के लिए जननी, त्यागी हुई स्त्री के पुत्र को कौन ग्रहण करेगा? यही नहीं, लोगों को ये मुख्य लाभ मैं कैसे दिखाऊं? किस लिए श्री राम ने त्याग दिया इसका कारण मैं क्या बताऊं? इसे जीवित रहूं? जननी, धैर्य प्रतीक धरती माता की बेटी है, ये विपदा सह के सत्य और धर्म की एक ना एक दिन जीत होगी ये जगत को दिखाना। आद्वी कुलवधु अनर्थ कर रामचंद्र की अप्रतिष्ठा करोगी जननी? हे मां, रामचंद्र भी विरही होके व्यथा विवल हैं, अर्धांगिनी को इतनी दूर भेजकर घोर पीड़ा अनुभव कर रहे होंगे, वो भी क्या आपको त्याग कर क्षण भर सुख भोग सकेंगे जननी? हाँ लक्ष्मण, हाँ, घोर दुख से दुखित होके पागलपन में श्री रामचंद्र के विरुद्ध अधम वाक्य कह गई। रामपद सेवा के सुख से दूर होना मेरा पिछला जो प्रारब्ध है, मैंने कष्ट ही कष्ट भोगे हैं, आज मुझ भाग्यहीना को क्यों सुख मिले? जननी आज्ञा। मुझे भागन को किस लिए जन्म दिया माँ? माँ, बेटी, रत्नगर्भा तेरी जननी के होते हुए तू अभागिन है बदली कहीं की? तुझे त्यागने वाला श्री राम अभागा है, अयोध्या की प्रजा अभागी। अन्याय कराने वाले उन दुष्टों को क्या मैं छोड़ दूंगी? ओ पंच महाभूतों, तू तो विध्वंस करो, पूरा दंड मचा डालो। इस जगती में धर्म का नाश हुआ, न्याय परास्त हुआ, अब सृष्टि अनावश्यक है। दुर्दशा देखकर क्षुब्ध हो गई थी, तुझे क्या व्यथा हुई बेटी? महानरक व्यथा को भी मैं सह लूंगी, किंतु श्री रामचंद्र को अनुमात्र भी कष्ट मिले ये मैं सह न सकूंगी माँ, न सह सकूंगी माँ। राम, गर्भवती भारिया को वन भेजने वाला दुष्ट आत्मा, निज पत्नी को त्यागने वाला मूर्ख, अर्धांगिनी को कष्टों में डालने वाला निर्दयी, क्यों ऐसे राम के लिए रोती हो? अपनी बेटी समझ के जो चाहो कहो, किंतु यदि मेरे सामने मेरे पति की निंदा हो तो सह न सकूंगी माँ, सह न सकूंगी। सीता, सीता, तेरी ऐसी दुर्दशा को देखकर
जो कष्ट मुझे हुआ उसकी तुझे कल्पना है। श्री राम से विवाह किया, आंसुओं में डूबी, अपने ससुराल गई तो उसे क्षण वनवास मिला। वही नहीं, इन कष्टों से जैसे ही उभरी तो उस राम ने तुझे फिर वनवास दिया। सीता के मन प्रभु राम है, यदि वनवास भी जाऊं, समुद्र में कूद जाऊं, राम नाम को सुनने मात्र से ही अनूठे प्रेम आनंद से विभोर हो उठती हूं। मां जानती हो अपने प्रभु का अपमान नहीं सह सकूंगी, नहीं सह सकूंगी, नहीं सह सकूंगी। मां सीता, सीता भूल जा बेटी। अच्छा बेटी, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। गर्भवती हो तुम, क्यों ऐसे कष्ट भोगती हो? आओ सुबह, लाडली रानी हो ना, अब मेरे घर चलो बेटी। मां, सीता, दुख में यूं डूबे हुए जीवन के लिए जननी के आंचल से अच्छा स्थान बेटी के लिए क्या हो सकता है? मां, मां, किंतु इस समय नहीं आ सकती। क्यों बेटी? मां, अपवाद सर पे रख के मां के घर जाना बेटी के लिए गौरव की बात है। तुम्हारी कोख से जन्म लेके रघुवंश के महामहिम श्री रामचंद्र की पत्नी बनी हूं, रघुकुल उत्तराधिकारी को जन्म देकर उन्हें उनका प्रतिबिंब सौंप कर तुम्हारी गोद में आ बसूंगी। मां, अपना कर्म फल स्वयं भोगो। मां, क्या है सदानंद, आश्चर्य से क्या देख रहे हो? देखिए स्वामी, आंखें चकाचौंध करने वाला रत्न भूषण, स्वामी देखिए इसकी जगमग को। इस अरण्य में माणिक्यमय भूषण तो स्वामी, हाँ महालक्ष्मी देवी का होगा, ये रत्न किसी सामान्य मानव का नहीं हो सकता। ठीक तो है सदानंद, तुम्हारा अनुमान ठीक है। तुम शीघ्र हमारे आश्रम पहुंचकर वहां एक परम कुटी बनाओ तुरंत। अच्छा, लक्ष्मी देवी को अपने आश्रम में ला रहे हैं बाबा? हाँ हाँ, तुरंत जाओ। अभी चला, अभी चला, अभी चला। माता, जगन माता, जानकी देवी, माता, मां पूर्ण गर्भवती हो, दुख भार से यूं दिशाहीन ज्ञान शून्य इस अरण्य में क्यों घूम रही हो? बाबा, इस अभागिन को दिशा ज्ञान कहां मिलेगा? पृथ्वी पर शीश छुपाने के लिए स्थान कहां है? बताओ मैं क्या करूं? शांत हो देवी, शांत हो, ज्ञान दृष्टि तो सब कुछ कह चुकी मुझे। सुनो, मैं सीता राम चरित्र की रामायण रूप गाथा रचयिता वाल्मीकि हूं मां, वाल्मीकि। आज दर्शन भाग्य से ही जन्म तर गया जननी, मेरे आश्रम चलकर मुझे कृतार्थ करो मां। महात्मा, मैं दया सागर प्रभु को नमन करती हूं, किंतु लोक अपवाद से कलुषित को आश्रय देने में आपके आश्रम की अप्रतिष्ठा है, आप क्षमा कीजिए। मां, ऐसी बात ना करो, तुम पर अपवाद लगाया गया। सृष्टि में जीवन संचार करने वाली आदिशक्ति हो, जगत माता हो, महालक्ष्मी हो, तुम्हारी महानता मैं जानता हूं। निरंतर राम नाम संकीर्तन से प्रति गुंजित मेरे आश्रम में रहकर निश्चय तुम्हें शांति मिलेगी देवी। मुनेंद्र, इस विपदा के भंवर से उबारने के लिए आप देव स्वरूप प्रकट हुए हैं, आपके पुण्याश्रम में रहकर यह जीवन पवित्र करूंगी,
किंतु संकोच न करो, बोलो मां। मेरा नाम प्रकट मत कीजिए, अज्ञात ही रहूंगी। अनुग्रह कीजिए स्वामी। सहस्र नामावली से पूजी जाने वाली लोक माता हो तुम, तुम्हें नाम की क्या कमी है। लोक पावनी के नाम से आश्रम में रहो। चलो मां चलो। पता नहीं सीता मां किस दशा में हो। आज मां को वन में छोड़े धीरे धीरे पूरे 10 वर्ष हो गए हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं वशिष्ठ मुनिंद्र, एक दो क्या, पूरे 10 बरस से सीता के वियोग दुख से मेरा राम अभी मुक्त नहीं हुआ। सीता बन गमन के बाद उसी की चिंता में इतने दिनों से राघव को मुस्काते नहीं देखा। देवी, सीता राम समान दंपति सृष्टि में न हुए न होंगे, न भूतो न भविष्यति। इन्हें प्रिय का वियोग दुख जीवन भर होगा ही, इस दुख का निवारण कौन करे। मुनिंद्र, आप ऐसा कहेंगे तो दुख भला कैसे मिटेगा। हमारे जामाता ऋषि सिंह मुनि भी पधारने वाले हैं। मेरे रामचंद्र के मन की शांति के लिए कोई उपाय कीजिए स्वामी। बताओ स्वामी, प्रिय अग्रज के हृदय का वियोग दुख भला कैसे सहूं मुनिवर। प्रजा भी तो रामचंद्र प्रभु के दर्शनों के लिए लालायित हो उठी है। जिस प्रजा धर्म हेतु श्री राम ने अपनी प्राण समान पत्नी सी को परित्याग दिया हो, आज उस प्रजा के कष्ट का उन्हें निवेदन करें। तभी अपनी प्रजा के कल्याण हेतु यज्ञ आदि के प्रति राघव कार्योन्मुख हो जाएंगे। अवश्य स्वामी, इस प्रकार राघव के व्यस्त होने से सीता वियोग दुख कम होने की संभावना है। समुचित महायज्ञ फिर आप ही बताइए मुनिवर। सकल कार्य साधक महा अश्वमेध यज्ञ है, उसी से श्री रामचंद्र को सारे सुख प्राप्त हो सकेंगे। राम राज्य में कोई अकाल दुष्काल न होंगे, शुभ दिन आ जाएंगे देवी। ऐसा हो तो पूज्य मुनिवर, आप और ऋषि श्रृंग मेरे राघव को यज्ञ के लिए मनाइए। ठीक है। रामचंद्र, राघवेंद्र, गुरुदेव, ऋषि सिंह मुनिंद्र, नमस्कार। दीर्घायुष्मान भव। आसन ग्रहण कीजिए मां। राघवेंद्र, गई घटना से चिंतित रहना तुम जैसे धैर्यवान को शोभा नहीं देता राजन। रामचंद्र, अपनी प्रजा को एक बार देखो। प्रजा? हाँ रामचंद्र, महासती सीता देवी के वन प्रस्थान के बाद से काल अकाल पीड़ित होकर दुखी और व्याकुल प्रजा तुमको पुकार रही है। लाल, प्रजा के भले के लिए पूर्व राजाओं कृत अश्वमेध यज्ञ तुम्हारे द्वारा करवाने का गुरुदेव और मुनि श्रृंग ने संकल्प किया है। पुण्यात्मा हमारे पितृ पूर्वजों से मेरी तुलना क्यों करती हूँ माँ? मैं इस योग्य नहीं हूँ। अग्रज, त्रिलोक वीर हैं आप, महावीर आपके भाइयों के होते आपके लिए कौन सा कार्य संभव है? लक्ष्मण, तुम नहीं जानते पत्नीहीन हूँ, जान के बिना यज्ञ कैसे होगा। रामचंद्र, चिंतित क्यों हो? आज तुमसे विवाह के लिए गुणवती और रूपवती कितनी ही राजकन्याएं आतुर हैं। शांता, क्षमा करो, तुम ऐसी बात न कहो न मैं सुनूं। रामचंद्र, प्रभु हो ना, तुम अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाते तो प्रजा के कष्ट कैसे दूर होंगे। धर्माचरण के लिए पुनः विवाह कर लो। शांता, सूर्यचंद्र की गति बदले, ब्रह्मदेव भी बोले, धर्माचरण भी हो, निराकरण भी हो, पाप भी हो, सृष्टि डूब जाए। राम, एक पत्नी व्रत है, एक पत्नी व्रत। शांता, सीताराम के अद्वैत तत्व का तुम अर्थ न जानकर क्यों बात करती हो? आदर्शवान ऐसी पुण्य दंपति इस सृष्टि में होने असंभव। रामचंद्र, सकल दुख हरण सर्व सुख प्रदायक यज्ञ जो तुम करना चाहो तो वेदों में उपाय प्राप्त नहीं। हाँ, सीता की एक स्वर्ण मूर्ति बनवा के उसे पास रख के यज्ञ कर सकते हो।
सीता, स्वर्ण सीता, सीता। जय जय राम, जय रघुराम, जय जय राम, जय रघुराम। जग अभिराम वो श्री राम है, रघुकुल सूर्य वो श्री राम है। जग अभिराम वो श्री राम है, रघुकुल सूर्य वो श्री राम है। जग अभिराम वो श्री राम है, वचन पिता के सर पे ले प्रिय, निज सुख भूल के सीता संग जो, वनवासी बने धर्मावतार जो। जग अभिराम वो श्री राम है। उपमा सीता राम सिवा क्या, उपमा सीता राम सिवा क्या। प्रगटे आदर्श प्रेमावतार जो, जग अभिराम वो श्री राम है। नीति में धर्म में नेमी अभिराम वो श्री राम है। सूर्य मणि सा उज्ज्वल है जो, रघुवर प्रभुवर करुणा सागर। सूर्य मणि सा उज्ज्वल है जो, रघुवर प्रभुवर करुणा सागर। जन जन भजता पुरुषोत्तम को, जग अभिराम वो श्री राम है। प्रभु कुल सूर्य वो श्री राम है, जग अभिराम वो श्री राम है। कुश बेटो, तुम्हारा राम नाम का उच्चारण तोते की वाणी की तरह मधुर, मनोहर और मीठा है। ये आपकी ही शिक्षा है गुरुदेव। हाँ लव कुमार, मेरी सारी तपस्या का फल ये आदर्श रामायण तुम्हें क्यों पढ़ाई जानते हो? जानता हूँ गुरुवर, रामायण पढ़ने सुनने से पुण्य मिलता है। यही नहीं कुश कुमार, मानव जाति को धर्म और अधर्म में भेदाभेद का ज्ञान बताने वाली है रामायण। मानव जाति को सत्य की राह दिखाकर पशुता क्षुद्रता आदि पापों से उबारने वाली है रामायण। गुरुवर, आप हमें जो बड़े बड़े विषय बताते हैं वो हम कैसे समझेंगे? हाँ मेरे बेटो, ये बड़े महान विषय हैं। रामायण के इन पात्रों को देखो,
दशरथ महाराज अति सत्यव्रती थे। निज पत्नी कैकेयी के वर पूर्ति हेतु श्री रामचंद्र को वन में भेजकर निज प्राणों की बलि दे दी, अर्थात प्राण भी जाएं किंतु वचन निभाना। निश्चय। और श्री रामचंद्र एक पत्नी व्रत, धर्म निरत, सत्यवादी, जननी जनक को देव समान मानकर उनके संतोष के हेतु निज सुखों को छोड़कर अरण्यवास के लिए चल दिए। फिर मार्गियों को दंड दिया, सन्मार्गियों की रक्षा की। अवश्य। और सीता देवी परम पतिव्रता, पति संग वन को गई, राज्य सुख छोड़ के अनेकों कष्ट सहे। यही नहीं, लंकेश्वर रावण की अनंत संपदा को भी तुच्छ समझ के उसका तिरस्कार किया। श्री राम के ध्यान में वो निद्रा आहार भूल के तप करती रही। उस तप के फल से उन्हें श्री राम के चरणों के निकट आ गई। राम पदारविंद ध्यान सर्वदा आनंददायक और मधुर है। और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भ्रातृ आज्ञा को कभी न टालने वाले भाई हैं। और रावण का क्या हुआ? जानते नहीं, पर नारी के लोभ से बंधु मित्र परिवार सहित नाश को प्राप्त हुआ। कुमारगण, इन पात्रों में जो महा महान आदर्श हैं, मानव जाति के लिए पथ प्रदर्शक हैं। इसी कारण रामायण के आदर्श जब तक माने जाएंगे, पाप मुक्त होके मानव नीति नियम आदि सहित सर्वोन्नति पाएगा। मेरे प्रिय शिष्य के नाते दोनों को मेरे रामायण महाकाव्य का देश देश में प्रचार करना है वत्स। अवश्य, सीताराम कथा का गायन करते हमारा हृदय पुलकित होता है। देखें। के नृपुवो दशरथ महाराज वो इस राज की रानिया तीनों कौशल्या सुमित्रा कैकेयी। उन्हें फल मिला सुंदर खेले पुत्र जो चारों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो बचाया तपस्वियों का आशीष पाया। जनक सुयज्ञ में दोनों ही मिलके, जनक सुयज्ञ में दोनों ही मिलके चले मिथिला को दास कर दी। राम कथा सुनो भाई।
स्वरों को श्रुति लय से, राग ताल को ध्यान में रख, शब्दार्थ को समझा के, भाव युक्त होके प्रजा मनों को अनूठे काव्य गान से रिझा देना। आज्ञ गुरुभ्यो नमः। रामायण का पाठ सुन के मैं आनंद विभोर हो उठी। माँ तुम्हें इतना आनंद आया? माँ रामायण गान सुन के सीताराम कितने आनंदित होंगे। हमको एक बार अयोध्या ले चलो माँ। हाँ श्री रामचंद्र के निकट रामायण पढ़ेंगे, उन्हें संतोष होगा, उनको देख के हमको संतोष होगा। तुम्हारे इस महाभाग्य के लिए ही युगों से तपस्या कर रही हूँ लाडले। गुरुदेव की आज्ञा मिलने से तुम दोनों अवश्य जाना। फिर तो गुरुदेव से पूछते हैं। अभी नहीं, समय आने पर वे स्वयं भेजेंगे। कुमारगण, इन दिव्यास्त्रों को दुर्बल पर छोड़ने से संसार में अनर्थ हो जाएगा। महावीर को युद्ध में जब भिड़े उस भीषण समय पर ही प्रयोग करना। हाँ आज्ञा गुरुभ्यो नमः। अग्रज रामचंद्र, अश्वमेध यज्ञ के लिए यज्ञशाला निर्माण हेतु सारे प्रबंध कर दिए। देवर्षियों महर्षियों को भक्ति पूर्वक आज निमंत्रण भिजवा दिए। माँ सीता की स्वर्ण मूर्ति के निर्माण के लिए महाशिल्पी अश्विन को भी बुलवा लाया हूं। अग्रज, आपके दर्शनों की प्रजा को प्रतीक्षा है, ये समय उचित नहीं है, इतना बताने पर भी वो लोग नहीं उठते। लक्ष्मण, प्रजा को आने पर कभी न रोको, उन्हें तुरंत बुलाओ। श्री रामचंद्र प्रभु, हमारे अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, दुष्ट प्यकरों की उल्टी सीधी बातों के कारण आपकी प्रजा हम आपके दर्शनों से वंचित होकर महापाप के भागी बने हैं। प्रभु,
हमारी माता के समान सीता देवी को हमने खो दिया। पिछले 10 वर्षों से हम अभागे प्रभु दर्शनों से वंचित हैं। हमारे किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं है। प्रभु, महासती सीता माँ की हाय कभी खाली जाएगी? इतने दिनों से हम दुर्भिक्ष पीड़ित हैं। धरती की छाती फट गई, बीज बोने पर भी फसल नहीं उगती, कभी सूखा कभी बाढ़। पिता के समान आपने अब तक हमें अन्न देकर हमारे बाल बच्चों की रक्षा की। प्रजाजनों, आज से आप कुछ भी भय न करें। प्रजा क्षेम के लिए आप प्रजाजनों के सभी प्रकारों से रक्षा करने श्री रामचंद्र आश्रम में यज्ञ रचा रहे हैं। यही तो सुना महाप्रभु, इस यज्ञ हेतु सीता जी की सोने की मूर्ति बनाने वाले हैं, ये भी सुना है। इसलिए हमारे किए हुए पापों के प्रायश्चित के रूप में सीता जी के समान पवित्र सोना समर्पित करते हैं। स्वीकार कीजिए प्रभु। हमारा अयोध्या जाना अच्छा नहीं लगता? अच्छा क्यों नहीं लगता? तुम पथ गायक होकर अयोध्या को जा रहे हो ना? इस विचार से मेरा मन आकुल व्याकुल हो रहा है। हमें कोई भय नहीं माँ। वीर मातेश्वरी, हम तुम्हारे लाल नहीं क्या? इन वीणाओं पर रामायण पाठ करेंगे हम। अवसर पड़ा तो धनुष टंकार द्वारा भूलोक को युद्ध में परास्त करेंगे हम। यही तो डर है बेटो, कहीं दोनों तो लड़ झगड़ न बैठो। डरो मत माँ, हमें आशीर्वाद देके भेजो। एक बार श्री रामचंद्र को आंखों से देखाएं। अवश्य देखना, आनंदित होके मेरी आंखों से भी उनको देखना, तल्लीन होके श्रद्धा से परम पूज्य महानुभाव को देखना। किंतु एक बात, कोई भी हो पुरस्कार दे तुम मत लेना। हम क्यों लेंगे माँ, श्री राम दर्शन ही पुरस्कार है। हाँ बेटा जाओ। सुनो रे रामायण गाथा सुनो हे मन हारे, सुनो रे रामायण गाथा सुनो हे मन हारे। सुखद मनोहर जन जन दुख हर आनंद मंगल सुखकारी। सुनो रे रामायण गाथा सुनो हे मन हारे। महाराजा प्रजा हुई यूं मगन मोहिनी मंगल बात सुनी। प्रजा हुई यूं मगन मोहिनी मंगल बात सुनी। किंकर उठ के बैठ के कई मंथरा बात सुनी। सुनो रे रामायण गाथा सुनो हे मन हारे। छल करके अनजान भूख से मांगे वर दो के कहने इस पल को पट्टा अभिषेक हो भरत की हो पृथ्वी। महल छोड़ फिर 14 साल यो राम हो बनवासी। कुछ बोल सके ना चुप हुए भुजानी रोए भर पानी। सुनो रे रामायण गाथा सुनो हे मन हारे। हौसले सुत कोई महीपति की आज्ञा पुनि बतलाई। क्रोध भर के लक्ष्मण ने रुक भाई को चरण में झुके राम विनयशाली। वनवास को चले महल छोड़ प्रिय जननी पदाज्ञा।
आज कुलवधु यहां होती तो मैं अपने 10 बरस के पौत्र को देखकर आनंदित होती। माँ जी, यहां कोई दो प्यारे बच्चे प्राय 10 वर्ष की आयु होगी, श्री राम जी का जीवन चरित कथा रूप में गाकर सुना रही है माँ। है क्या कहा, मेरे रामचंद्र की जीवन कथा? हाँ माँ जी, तो तुरंत उन्हें यहाँ बुलाकर ले आओ, हम भी सुनेंगे। आहा, इंद्र भवन भी माँ, ये चित्रकला, ये विचित्र कला है, लौकुश कहा है? हमें भी रोकते हो, सदा आनंद मारती हूं, मुझे यदि पकड़ा तो भस्म करूंगा। लपोचंद, लपोचंद। मां, क्या हुआ मां, अपलक नेत्र से क्यों देख रही हो? शांता, देखो ये बालक तो सीताराम स्वरूप लगते हैं। हाँ जी जी, यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ। श्री राम का चरित महा अनुपम है माँ, अतिशीलवती सिय की कथा सुन लो हे माँ। श्री राम का चरित महा अनुपम है माँ, अतिशीलवती सिय की कथा सुन लो हे माँ। चरित महा अनुपम है माँ, अतिशीलवती सिय की कथा सुन लो हे माँ। अनुपम है माँ, अतिशीलवती सिय की कथा सुन लो हे माँ। रघुपति संग रवि सुत गए हिल मिल हनुमान, रूप कर दिया सुग्रीव को राम वचन महिमा। प्रति उपकृति उनसे चरित महा अनुपम है माँ, अतिशीलवती सिय की कथा सुन लो हे माँ। सुन लो हे माँ।
दशरथ सुतयूं लंका आए दशकंठ को नहीं छोड़ा, दशरथ सुतयूं लंका आए दशकंठ का सर तोड़ा, उसके भाई को राज रूप दे सीता को बुलवाया। सीता जी पहुंची शीला परीक्षयों चाहे रघुपति, अहो निज पत्नी का अपमान मान, रामचंद्र चाहे सीता की अग्नि परीक्षा। पति आज्ञा अग्नि में प्रवेश हुई सीता, पति आज्ञा अग्नि में प्रवेश हुई सीता, माला वो ठंडी पड़ी शुद्ध हुई माता, ज्वाला वो ठंडी पड़ी शुद्ध हुई माता, अग्नि पुनित सी संग वो पुर को चले राम का चरित महा अनुपम है माँ, अतिशीलवती सियती कथा सुन लो हे माँ, अतिशीलवती सियती कथा सुन लो हे माँ, सुन लो हे माँ, सुन लो हे माँ। वे ही श्री रामचंद्र प्रभु है। श्री राघव दशरथात्मजम प्रमेयम् सीतापतिम् रघुकुलान्वय रत्नदीपम् कुमारखंड, तुम्हारे माता पिता ने कितने व्रत किए होंगे, कितनी महातपस्या की होगी। तुम दोनों ये मधुर वाणी किससे सीखे हो, तुम्हारे गुरु कौन है? हमारे गुरुदेव महाकवि महर्षि वाल्मीकि हैं, वे ही रामायण के रचयिता हैं। बस, तुम्हारे नाम क्या है? हमें लवकुश कहते हैं। बस, तुम्हारा सुंदर मुख देख आज मुझे महा आनंद प्राप्त हुआ। तुम दोनों फूल से कोमल बच्चे हो, वन में क्यों रहते हो? यहीं रहो, नित्य रामायण गान सुनाओ। हमारी माँ हमें देखे बिना वो एक क्षण भी नहीं रह सकती। रामचंद्र, ये भी कोई बात है, माँ बिन बच्चे भला क्यों कर रहेंगे? प्रिय बालको, मधुर काव्य गान से हृदय कितना आनंदित हुआ। ये लो मेरी भेंट, लो ना। नहीं प्रभु, हम मुनि बालक हैं, रत्नभूषण का क्या करेंगे? पुरुषोत्तम हो, सुगुणाभिराम हो, पुनः रामायण कथा के योग्य नायक श्री रामचंद्र प्रभु का ये मनोहर स्वरूप इन नैनों को देखने का अवसर मिला, यही हमारी भेंट है प्रभु। एक बात कहूँ? संकोच मत करो, जो इच्छा हो कहो बालको। रामायण काव्य कथा की आत्मा और स्त्री रत्न शिरोमिणी लोक माता सीता देवी के दर्शन कराइए, तभी हमारा जन्म सफल होगा, हमारा आनंद सार्थक होगा। प्रभु, माँ बोलते क्यों नहीं? माँ, माँ हमारी कामना पूरी नहीं होगी। माँ, ओ माँ जगन माता जाने की देवी, हम पर दया करो, अब दर्शन भी दो माँ। माँ नहीं लाडलो, सीता यहाँ नहीं है, सच बात बोलती हूँ। साल भर लंका में रही वो, सीता देवी लोकमत की लक्ष्य हुई, प्रजानुरंजक रूप श्री राम ने प्रजा का मन रखने के लिए सीता को बन बन बेच दिया। महापति पिता का अपमान, श्री रामचंद्र ने यह पाप किया।
हमारे आरा के श्रम इतने कठोर हैं, हमसे भूल हुई महापतिव्रता सीता देवी के ऊपर। इतना न्याय करने वाले का नाम अब हम कभी नहीं लेंगे। रामायण का गुणगान नहीं करेंगे। लाडले, बड़े भोले बालक हो, तुम नहीं जानते आवेश में तुम क्या बोल गए। मेरा बेटा राम तो करुणा समुद्र है। ओ करुणा समुद्र, यही क्या करुणा है, यही क्या धर्म है, यही क्या न्याय है। क्रूर हृदय होकर सीता को वनों में भेजना करुणा है। नारी शिरोमणि सीता देवी के बिना श्री राम कथा अपूर्ण है। रामायण में रस क्या बचा, रंग क्या बचा। राम नाम से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। इतना अन्याय करने वाले राम का हम स्मरण नहीं करेंगे। आज से रामायण कीर्तन नहीं करेंगे। इस पापिष्टपुरी में आकर हमने बड़ी भूल की। यहाँ एक क्षण भी ठहरना ठीक नहीं। आओ भैया चले। मा, मा। आ गए बेटे। ये क्या क्या हुआ, ये उदासी कैसी। मां सुना कुछ और था, वहां देखा कुछ और। क्या बोले, तुमने अयोध्यापुरी को देखा। हाँ अयोध्यापुरी को देखा और पुराधीश को भी देखा। क्या श्री रामचंद्र प्रभु को देखा। प्रभु रामचंद्र सुखी है ना। हाँ श्री राम सुखी है, क्या कहने। मीठा खाते रहते हैं, जी भर के सोते रहते हैं। इस राम नाम के बोल से तुम क्यों मैं इतनी विवल होती हो। लाडले, देव स्वरूप प्रभु नाम संतोषदायक नहीं है क्या। हाँ यही पहले हमने भी सोचा था। आदर्श पुरुषोत्तम है, सुगुणा भिराम है, श्रद्धा की मूर्ति, कृपा के पुंज। देखा तो क्या, सारा भंडा आज फूट गया। माँ उस निर्दय के प्रति श्रद्धा अब नहीं रही। ये क्या बेटो, प्रभु ने तुम्हें कुछ कहा, अपमान किया। नहीं, अपने अपमान से हमें इतनी पीड़ा नहीं होती। पापिष्ट ऐसी महासाधवी सीता देवी को बनवास दे दिया माँ। और तो और, गर्भवती थी, ऐसे काम के लिए उनका मन क्यों माना। अच्छा उसका तो बड़ा ही कारण होगा कोई। भोले बच्चे हो तुम, क्या जानो लाडलो। कारण क्या माँ, सीता देवी का इतना अन्यायकारी है और उस निर्दय का यूं समर्थन करती हो माँ। ये बात सुन के माँ कितना दुख हुआ। हाय सीता देवी कितनी दुखी हुई होंगी, कोई जीव जंतु खा गया होगा उन्हें। ऐसा न कहो, पूज्य और बड़े लोगों को तुम ऐसे अपशब्द न कहो। कैसे वे बड़े, दिल डाल में ना। अच्छा अच्छा, हमारी उस दुरात्मा पर श्रद्धा मिट गई। आज से हम रामायण गान नहीं करेंगे। यही नहीं, आज उस दुष्ट का नाम भी नहीं लेंगे। चुप रहो, मुंह छोटा और बात बड़ी, बित्ते भर के हो। तुम लोग प्रभु का अपमान करोगे। जिस पुरुषोत्तम की ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति की हो, जिस महान का वाल्मीकि विश्वामित्र वशिष्ठ आदि महामुनियों ने निरंतर यश गाया हो, जिस प्रभु नाम के स्मरण चिंतन मात्र से महापाप पल भर में दूर हो जाते हो, ऐसे मेरे प्रभु को, देवता को, सर्वस्व आदर्श श्री रामचंद्र को दोष देते हो। तुम मेरे लाल नहीं हो, मैं तुम्हारे जननी नहीं हो। क्षमा करो माँ, फूले मैं क्षमा हूँ माँ। क्रोधावेश में आदिशक्ति स्वरूप तुम्हारा रौद्राकार हमने तो नहीं देखा माँ। क्षमा हो माँ, क्षमा हो माँ। राम सुगुण धाम रघुवंश जलधि सोमा, श्री राम सुगुण धाम सीता मनोभिराम, सागे तनार्व पौमा, श्री राम सुगुण धाम। मंद स्मित सुंदर वदनारविंद
वाल्मीकि मुनिंद्र को नमस्कार। सुखी भव, कौन हो भाई? अयोध्यापति के सेवक हैं स्वामी। क्या संदेश है? आप सर्वज्ञ हैं, आपसे क्या छुपा है स्वामी? सकल धराधर चक्रवर्ती श्री रामचंद्र प्रभु ने लोक कल्याण के लिए अश्वमेध यज्ञ रचाया है। आपको इस यज्ञ में शिष्यों के साथ पधारने की आदर पूर्वक विनती की है। श्री रामचंद्र प्रभु यज्ञ रचाएं और हम वहां ना पहुंचे? यज्ञ समाप्ति पूर्व हम अवश्य पहुंचेंगे। क्या बेटी? धर्मपत्नी के साथ हुए बिना क्या कोई यज्ञ कार्य कर सकता है? नहीं बेटी, पत्नी के साथ हुए बिना यज्ञ आदि संभव नहीं। सुनो मां। क्या देवी? पत्नी के साथ हुए बिना क्या पहले किसी ने यज्ञ आदि किया है? असंभव। ब्रह्मचारी पत्नी विहीन को यज्ञ आदि में भाग लेना हर तरह से वर्जित है बेटी, ऐसे क्यों पूछ रही हो? सुधाकर से स्नेह मृत्यु, शीतल कर स्पर्श के बिना आज दुख और शोक से व्याकुल हूं। परम पावनी होते हुए प्रजावा के पालन हेतु तुम्हें दूर भेजना पड़ा। सीता, निरंतर इस व्यव दुख का दंड भोगने के लिए पहले कितने पाप किए होंगे मैंने। सीता, तुम्हारी मधुर और स्नेह वाणी क्या कभी सुन पाऊंगा? इस जन्म नहीं, नहीं।
किसी भी जन्म में सुन पाऊंगा क्या? सीता, ये तिलक कौन लगा दिया? सीता के अतिरिक्त अन्य के तो ज्ञात नहीं, क्या मेरी सीता स्वयं आई थी? सीता, सीता कहां छुपी हो? सीता, सीता कब आई हो? कहां छुपी हो? सीता, 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 एक बार अपना सुंदर मुख दिखा दो, मुझे न रुलाओ, सीता, सीता। वही सीता का कर स्पर्श मिला। देवी, देवी आ गई क्या? इतने दिनों के पश्चात दया आई देवी। सीता, सीता, सीता कहाँ हो तुम? आंख बिचौनी क्यों खेलती हो मुझसे? क्या मुझ पे क्रोध है तुम्हें, या ये कोई पाप फल है? क्षण भर में विद्युत समान चमक कर तुम कहां छुप गए? यही क्या न्याय है? यही तुम्हारा प्रेम है? सीता, सीता! बेटा रामचंद्र, क्या हुआ? ये भ्रांति कैसी? भ्रांति? भ्रांति नहीं मां, सीता स्वयं यहां आई थी, अभी आई थी। रामचंद्र, ये वृत्ति धैर्यवान को उचित नहीं। स्वर्ण सीता को देखकर आज तुम भ्रम में पड़ गए हो। स्वर्ण सीता? नहीं, नहीं, स्वर्ण सीता नहीं, मेरी सीता स्वयं आई थी, सशरीर वो आई थी। फिर कहां गई? कहां, कहां? अभी यहीं तो थी, कैसे विलुप्त हुई? शांता, शांता, इस तिलक को देखो, किसने लगाया? मैंने नहीं, सीता ने। सीता ने नहीं तो फिर किसने लगाया? विद्युत की चमक सा, क्षणकाल सीता सान्निध्य का अनुभव हुआ और वो फिर विलुप्त हो गई। रामचंद्र, आवेश में मत आओ, शांत हो जाओ बेटे। रामचंद्र पर संदेह करके महापाप हुआ है। अचंचल धर्म निरत को, परम पावन चरित को न समझ के अकारण ही उन पे संदेह करके महापराध हुआ है। मैंने कैसी भूल की है? इस पाप का परिहार है कोई? इस अपराध का प्रायश्चित है कोई? क्या करूं बाबा, राह दिखाइए। बावरी, हृदय के आवेग ने श्री रामचंद्र पर तुम्हारा प्रेम भाव ही व्यक्त किया है, इसमें पाप की क्या बात है? सोच विचार में मन का चंचल हो जाना सहज बात है ना? ऐसा नहीं बाबा, मन का ऐसा चिंतन करना, अपने प्रभु पर मन का संदेह करना महापाप है। इसका मुझे प्रायश्चित आपने ना बताया तो मेरी वेदना शांत ना होगी। ठीक है मां, तुम्हारी शांति के लिए, पाप निवारण के लिए और इच्छा सिद्धि के लिए व्रत भी है, चाहो तो करो। शीघ्र बताइए बाबा। नवरात्रि को स्नान करके भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्री जगन माता दुर्गा देवी का शतपत्र कमल से तुम पूजन करो। किंतु कितना भी प्रबल कारण क्यों ना हो, पूजा की समाप्ति से पहले विघ्न आए तो तुम पर विपत्ति आएगी। विघ्न आने न दूंगी बाबा, किंतु शतपत्र कमलों को लाएगा कौन? हम लाएंगे माँ, शतपत्र कमल, सहस्त्रपत्र कमल भी लाएंगे हम। ऐसे धीर वीर कुमारों के होते हुए तुम्हें क्या चिंता है बेटी? कुश कुमार, माँ के व्रत के लिए फूलों का प्रबंध तुम करोगे। गुरुदेव, माता की सेवा के लिए अग्रज योग्य है मैं नहीं? ऐसी बात नहीं वत्स, तुम्हारी मातृभक्ति क्या मैं नहीं जानता? किंतु तुम्हारे लिए एक और कार्य है वत्स,
आज मैं भारद्वाज आश्रम जा रहा हूँ। जब तक लौट ना आऊं, इस आश्रम की रक्षा का भार तुम पर है वत्स। जो आज्ञा। क्षेम कुशल हेतु यज्ञ हो रहा। ओम हरि ओम। सर्व पाप आज से विनष्ट हो रहा। ओम हरि ओम। दिक्पालो सुनो, ओ देव देवता सुनो, दिव्य मुक्त मन द्वारा आशीष दो। अश्वमेध यज्ञ की जय हो, जय हो, जय हो, रामावतार राज्य का शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। फलों फूल आदि से उन्नत भू हो, उन्नत भू हो। सौभाग्यवती प्रजा सभी आनंदित हो, आनंदित हो। रघुवंशी कीर्ति सदा जग में फैले, जग में फैले। चारों ओर पुण्य की पताका फहरे। अश्वमेध यज्ञ की जय हो, जय हो, जय हो, रामावतार राज्य का शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। अश्व के हम पीछे आज चलते जाएंगे, विघ्न आए पीछे हम न पग हटाएंगे, पीछे पग हटाएंगे। आसमान जो टूटे, मेरु भी जो उल्टे, धैर्य हम न छोड़े, शत्रु शीश तोड़े। अश्वमेध यज्ञ की जय हो, जय हो, जय हो, अश्वमेध यज्ञ की जय हो, जय हो, जय हो, अश्वमेध यज्ञ की जय हो, जय हो, जय हो। कुमार श्री राम पूजनीय है, धर्म स्वरूप है ना।
रामायण नहीं तो पढ़ा है ना? ओहो महाधर्म स्वरूप, दूर के ढोल सुहावले तुम क्या जानो, हम अयोध्या गए थे बुद्धू, जाके सुगुणा विराम को देखा और उनके गुण सुन के हमारे कान पक गए। जानकी देवी कैसी कुलवधु है बता दो? अग्नि में शुद्ध हुई महापतिव्रता। लोक माता, उस महासती को, लोक माता को ये सुगुणा विराम महाधर्म स्वरूप वन को भेज चुके हैं। क्या बोले, सीता देवी को? हाँ, और वो भी गर्भवती को। पापी, जानकी को तो किसी जंतु वंतु ने मार दिया होगा। माँ के भय से हम राम नाम जप तो लेते हैं, किंतु मेरे अकुष्ठ मन में श्रद्धा नहीं। राम इतना दुष्ट है? फिर घोड़ा मत छोड़ो, मत छोड़ो। माथे वीर मात्र कुमार लिखा हुआ है, हम भी दिव्यास्त्र सीख चुके हैं, हमारी माता वीर माता नहीं क्या? फिर गधे को मत छोड़ो, मत छोड़ो। अरे मैंने इस घोड़े को पकड़ा है, माँ को फूल के मत बोलना। खाओ सौगन। नहीं बोले। इस घोड़े को किस दुष्ट ने पकड़ा? ए, बात संभाल क्या करना, मैंने पकड़ा है। तुमने इसे बच्चों का खेल समझा? बच्चों का खेल नहीं, तुम जैसे जंतुओं को शिकार समझा है। ए बालक, ये श्री रामचंद्र का यज्ञ शो है, है? जानता है? ये तो इसके माथे पर लिखा हुआ है, मार थप्पड़ खींच के वीर बुद्ध आ महामूर्ख कहीं रास्ता भूल कर घुसाया है। अधिक न बोलो। ए बालक, तुमने घोड़ा न छोड़ा तो तुम्हारे सर का भूता बना दूंगा। बित्ते भर के हो और तुम्हारा ये घमंड। अब पता चला हमें बच्चा समझा था ना, माता ढंका या सर भन्नाया। कहा है भाला, तुम भाला भी चलाओगे, मारा नहीं जपोगे। माँ, कुश कुमार ने ये शतपत्र कमल आपकी सेवा में भेजे हैं। कुश कुमार कहाँ है? और भी फूल चुनकर अभी आएगा माँ। घोड़े को पकड़ा तो हो अजगरा। बालक, अश को तूने पकड़ा है? मैंने। हाँ। तूने यज्ञ का घोड़ा क्यों पकड़ा? इसके माथे पर लिखा है वीर हो सो पकड़े, हम लोग वीर हैं सो पकड़ लिया। दुधमुहा लड़का, तू कोई वीर है? मुंह से बोले, धनुष बाण देखकर समझते नहीं? बाम बाम आंखें पीली पड़ गए। वीरता का आयु से क्या संबंध है बताओ? दशरथ पुत्र श्री राम ने छोटी आयु में ही अनेकों वीरोचित कार्य नहीं किए? बालक, वीराधिवीर श्री रामचंद्र यज्ञ करता है। हाँ, वीर शिरोमणि काश। फिर तो बड़ी बात है, ऐसे वीरादि वीर से भिड़ने पर ही हमारी वीरता खुल के प्रकट होगी। छोड़ दे पागलपन, बालक होकर तू बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। तुझे मारने रघुकुल सूर श्री रामचंद्र आएंगे। बोल, घोड़ा छोड़ता है कि नहीं? बातों से छुड़वाना चाहते हो सके तो छुड़वा लो। और उपेक्षा से लाभ नहीं, वहां चलो, यहां तो घोड़े को बाण लग जाएगा। Thank you.
यह बालक विराट ही वीर है सेनानी। ऐसा पराक्रमशाली ब्राह्मण बालक होगा क्या? वेश मुनियों जैसा सही, किंतु मुख पर क्षत्रिय का तेज है महाराज। विवश होकर इस वीर शिशु से युद्ध किया, ये वीर कुमार श्री रामचंद्र को भी दिखाएंगे। सेनानी, यज्ञेशु को छुड़ा लो। जो आज्ञा। यदि तुम्हें प्राणों का मोह है तो तुरंत मेरे भाई और पकड़े हुए अश्व को हमें लौटा दो। बालक, तुम्हारे पराक्रमी भाई को प्रभु श्री रामचंद्र जी के समीप समुचित सत्कार के लिए मैं ले जा रहा हूं। यदि तुम भाई को चाहो तो ले जाओ, किंतु अश्व चाहो तो महाविपत्ति। किसके लिए यह बताओ, तुम अश्व लौटाओगे या युद्ध करोगे? अपने भाई को देखकर तुझे बुद्धि ना आई? ये मूर्खता छोड़कर अपना भाई ले जाओ, अश्व मैं नहीं दूंगा। ये बात है, अच्छा तो देखो। यज्ञअश्व मैं ले आया, चलो पहले माँ को चलकर संभालाएं। भैया, ये श्री राम का यज्ञअश्व, घोड़े की घटना माँ को ना बताना। कभी नहीं, राम पर तो माँ की अटूट भक्ति है। इसलिए श्री रामचंद्र को आने दो, आते ही बांधकर माँ को भेंट करेंगे। असंभव, रघुवंश का वीर मुनि बालकों द्वारा परास्त होकर मूर्छित हो गया। सत्य बोलो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हुई? सत्य ही कहता हूं प्रभु, शत्रुघ्न प्रभु मुनि बालक को मूर्छित करके उसे यज्ञ के घोड़े के साथ बंदी बनाकर यहां ला रहे थे कि अचानक उसका भाई प्रलय की तरह हम पर टूट पड़ा। प्रभु, रघुकुल को पराजय मिली, यह कभी नहीं होगा। भैया, आपकी आज्ञा हो तो मैं। तुम न जाओ, रघुकुल की सर्व सैन्य समेत चिरंजीवी लक्ष्मण को भेजो। आज्ञा। बालको, इस घोड़े को किसने पकड़ा है? कोई भी है तुझे क्या? मुनि बालक है, हमारी मंडली को मूर्ख बोलते हो, आधम भाषा। बम बम, दृष्टि दोष है रे। मरने से पहले आंखें बंद हो जाती है ना। ये बात है,
तुम्हें मृत्यु बुलाती है मूर्खो, इसीलिए ऐसी बातें बनाते हो। तुरंत अशोक को छोड़ते हो कि नहीं? क्यों भैया, अशोक को छोड़ने वाले हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? हो सके तो तुम्हें चढ़ा लो। ये अभिमान तुम्हारा, दंड लायक, इन दुर्मतियों को बांध लो। आ भैया, आ आ भैया, आ। ओ, तुम हो? हाँ, हम हैं। बड़े होने के नाते नमस्कार बाण से स्वागत किया। घोड़े को छुआ था फिर मर्यादा टूट जाएगी। श्रीमान, इस पर हमें क्यों देखते हो? चिंता में पड़ गए क्या? नहीं बालकगण, भोले भाले तुम्हारे मुखड़े कहीं देखे हुए से प्रतीत होते हैं। तुम कौन हो? हम वाल्मीकि मुनिंद्र के शिष्य हैं। वाल्मीकि मुनिंद्र के शिष्य हो? श्री राम के अश्व को तुमने क्यों बांधा? फिर हम लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करें क्या? हम भी तो वीर बालक है, हमारी जननी वीर माता है। वीर हो, ब्राह्मण बालक और वीरता। हम ब्राह्मण बालक है, आपको किसने बताया? अच्छा, क्षत्रिय कुमार हो क्या? मुंह से कहना पड़ेगा, अपनी सेना की दुर्दशा देख कर भी नहीं समझ सके। ठीक है बच्चों, तुम जैसे वीर कुमारों की जनक जननी कौन है? हमारे वंश क्रम से क्या लेना है, जो काम है सो देखो। जो काम है वो तो कभी का भूल गया, इसे छोड़ दो। बालक लोगों, क्षणिक विजय पर इतना मत भूलो। तुम जैसे भोले शिशुओं पर बाण चलाने के लिए मन नहीं होता। ये रावण कुंभकर्ण आदि के नाशक उन वीराधिवीर श्री रामचंद्र का यज्ञ अश्व है। अब भी उस धर्म मूर्ति की शरण में आकर इस घोड़े को छोड़ दो। यदि तुमने ऐसा ना किया तो विनष्ट हो जाओगे। इन गीदड़ भक्तियों से घोड़ा हम नहीं छोड़ेंगे, चाहो तो युद्ध करके छुड़वा लो। बातें तो बड़ी ऊंची करते हो, कौन है वो वीराधिवीर धर्म मूर्ति? रामायण रचयिता वाल्मीकि महर्षि के शिष्य होकर श्री रामचंद्र को नहीं जानते क्या? ये सोचकर कि तुम बाल चपलता से श्री रामचंद्र के विरुद्ध बोल रहे हो मैं शांत रहा, किंतु अपने क्षणिक विजय के घमंड में तुम फूल उठे हो। तुम तुरंत इस घोड़े को नहीं छोड़ा तो ये लक्ष्मण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। ओहो, तुम ही लक्ष्मण हो? सीता महासाध्वी को वन में छोड़ने वाले कुलक्षण हो? तुम जैसे हत्यारे को हम भी जीवित छोड़ेंगे क्या? धूर्त छोकरो, अब तुम पर दया भावना व्यर्थ है, सावधान।
रामचंद्र। क्या माँ? यज्ञ दीक्षित हो तुम ही युद्ध भूमि पर जाओगे? हाँ माँ, रावण कुंभकर्ण आदि राक्षसों से लड़ने वाला लक्ष्मण भी जब परास्त हुआ तो किसी और को भेजने से कोई लाभ नहीं माँ। काल विपरीत है, वज्र को कोमल फूलों ने मसल दिया, भोले भाले मुनि कुमारों ने रघुवीरों को हरा दिया। फूल हो या फूल रूप में कोई वज्र हो, जो भी हो, रघुवंश का पराक्रम, रविवंश का तेज इस युद्ध में न समाप्त हो के सदा प्रकाशित हो। आशीर्वाद दो मां। विजयी हो। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। आहा, इन महानुभाव का क्या वीर श्रृंगार स्वरूप। इन्हें देखकर तो हाथ जून के नमस्कार करने का भक्त भाव होता है। क्यों बालकगण, उस दिन अयोध्या में राम कथा गायन तुम्ही ने किया था ना? हाँ, सीताराम कथा का गायन करने वाले हम ही थे। प्रिय कुमारो, उस दिन से आज तक तुम ही मेरे नैनों में बसे हुए हो। तुम लोगों को जब से देखा है जाने क्यों एक अभूतपूर्व प्रेम का अनुभव हो रहा है। क्यों हंसे? आपसे प्रेम का शब्द सुनके ब्याही हुई सीता जी को घोर वन में भेजने वाले को हम पे प्रेम कैसे उमड़ आया? ये तो कहिए, फिर आप वन में क्यों पधारे? तुम्हें देख तो जिस काम से आया वो भूल गया। हमारा यज्ञ अश्व यहाँ तो मुनि बालकों ने बांध रखा है, क्या तुम दिखा सकते हो? वो बता दे तो क्या आप उसे विमुक्त करा सकते हैं? विमुक्त अवश्य करूंगा। वे मुनि बालक अजय जो है। जय पराजय का निर्णय कौन कर सकता है? अच्छा देखो, आपका घोड़ा उस पेड़ की छांव में है। वे मुनि बालक कहाँ? देखो यही है दोनों। तुम ही हो? क्यों जी, हम ही है। क्यों ऐसे आश्चर्य में खो गए? भक्ति से रामायण पढ़ने वाले मेरे अश्व को पकड़ना तुम्हें उचित है। रामायण पढ़ते हैं मन को महान सद्विचारों से उन्नत करने के लिए, मन को दास बनाने के लिए नहीं। तो क्या यही सद्विचार है तुम्हारा? अवश्य, वीरता का वीरता से सामना पाप है। आपकी जननी वीर माता ये घोड़े पर लिखा है, हमारी जननी वीराधि वीर माता ये हम अभी सिद्ध करेंगे। तुम जैसे वीर कुमारों की जननी उस वीर माता का पवित्र नाम? आपको उससे क्या, आप युद्ध करने पधारे कि नाम धाम आदि पूछने? ये असंगत बातें क्यों करें, बातों में समय खोने वाला युद्ध क्या करेगा भला? प्रिय बालक गण, मेरी जितनी चाहो निंदा करो, तुमसे युद्ध करने की जाने क्यों इच्छा नहीं होती। हारोगे इसलिए ना? नहीं बेटो, मर्यादा से बात कीजिए। आप पिता है हमारे जो बेटे कहके हमें बुला रहे हैं। इसमें भूल क्या, प्रजा का प्रभु संरक्षक पिता होता है ना। हम तो जंगलों में रहने वाले स्वच्छंद जीव हैं, अपनी दुर्मार्गी प्रजा से हमारी तुलना क्यों करते हैं? क्या बोले, हमारी प्रजा दुर्मार्गी है? नहीं महोदय, जगन माता श्री जानकी देवी पर अपवाद थोपने वाले सन्मार्गी है। बातों से मेरा हृदय जितना भी दुखाओ फिर भी जाने क्यों मुझे क्रोध नहीं आता। अपनी आयु से भी अधिक धर्म की बात करने वाले क्या मुनि कुमार हैं या साक्षात मेरे सामने ब्रह्मरुद्र हैं? हैं? भयभीत हैं? हम ब्रह्मरुद्र नहीं मुनि कुमार हैं। अरे मूर्खो, इन महाप्रभु के शांत स्वभाव को असमर्थता समझ रहे हो? अपने काल को क्यों बुला रहे हो? इनके पांव में पड़ के शरण मांग लो। त्रिलोक विदेशी रामचंद्र से तुम युद्ध करोगे? ऐसे त्रिलोक वीर से युद्ध में जीत हो या हार यश आएगा, वानर से युद्ध करके क्या मिलेगा? जय श्री राम। तुम्हारी उछल कूद के लिए लंकापुरी नहीं है वानर। रावण का राज्य सीता जी की शक्ति ज्वाला से भस्म हो गया, तुम्हारी शक्ति से नहीं कपे राज।
महासत्व नाशनाय नमो नमः। ओम क्रूर नमो नमः। ओम धातृचित सुराधीश सुखदाय नमो नमः। ओम चंड मुंड निशुंभादि खंडनाय नमो नमः। ओम रक्ताक्षर रक्त जिह्वादि शिक्षणाय नमो नमः। ओम महिषासुर दौर्य वीर निग्रहाय नमो नमः। ओम अभ्रकेश महोत्साह कारणाय नमो नमः। ओम महेश युक्त नटन तत्पदाय। जगन माता, जानकी देवी, अभी तक आप जीवित है माँ। जानकी देवी, श्री रामचंद्र की स्त्री सीता? वन देवी नहीं, साक्षात सीता देवी। तो क्या लवकुश श्री रामचंद्र के बेटे हैं? वीर बालक श्री राम प्रभु के पुत्र हैं। तभी तो वज्र की वज्र से भिड़ंत हो रही है। तभी तो लक्ष्मण शत्रुघ्न को हरा कर वे श्री राम प्रभु का सामना कर रहे हैं माँ। हनुमान क्या बोले? क्या कुमारगण श्री रामचंद्र के साथ युद्ध कर रहे हैं? देवी पूजा में अंतर न आने दो, अन्य विचार छोड़ के पूजा पूरी करो माँ। माता, कुमारों ने श्री रामचंद्र के यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है, लक्ष्मण शत्रुघ्न को हरा दिया है, श्री राम प्रभु को भी आना पड़ा है माँ। माँ उत्तेजित ना हो, ये पूजा पहले समाप्त करो तो शुभ होगा, अंतर पड़ा तो अनर्थ होगा। कहाँ था ना पिता पुत्र का युद्ध, दिव्यास्त्रों की भीषण टंकार, अन्याय अधर्म। माँ व्रत अधूरा मत छोड़ो। माँ पूजा पूर्ति के पहले जगत प्रलय की संभावना है, माँ आप तुरंत चलिए और इस युद्ध को रोकिए। माँ जानकी देवी, ये पूजा अधूरी छोड़ी तो अनर्थ होगा, चाहे अनर्थ ही क्यों ना हो, इससे अनर्थ क्या होगा? इधर पुत्र उधर पति, आपत्ति किसी पर भी पड़ी तो मेरा जीवन व्यर्थ। माता कात्यायनी मुझे क्षमा करो, अपराध क्षमा करो जननी। हनुमान तुरंत चलो, चलो मुझे श्री रामचंद्र प्रभु के दर्शन कराओ। चलो माँ, चलो।
मेरे दिव्यास्त्रों पर प्रहार करने वाले इन बच्चों की उपेक्षा नहीं करूंगा। अपराजी महासुर, रावण, कुंभकर्ण आदि महावीरों का संहारक मेरे रामबाण का प्रयोग करना ही पड़ेगा। मधुर मंजुल कंठ ध्वनि सीता की है, सीता की है, सीता, सीता, सीता। सीता, सीता। ना माँ, तुम्हारे पांव के सुगंध हमने कुछ नहीं किया, इस महापुरुष के दिव्यास्त्रों का हमने उत्तर दिया, और कुछ नहीं माँ। सत्य है बेटी, लवकुश द्वारा कोई अन्याय नहीं हुआ। हाँ। तुम्हें देख के आनंद विभोर होकर रघुराम अचेत हो गए हैं, दुखी ना हो बेटी। माता, जानकी देवी, वर्षों बाद आपके दर्शन पाके हम लोग धन्य हो गए। हमारी जननी जानकी देवी। सत्य है कुमारो, ये महानुभाव श्री रामचंद्र ही तुम्हारे पिता हैं। पिताजी, 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 हमारा अपराध क्षमा कीजिए पिताजी, क्षमा कीजिए। पितृदेवता का अपमान करके महापाप किया हमने। अपमान कुछ भी न हुआ मेरे बेटो, पिता से बढ़ के पुत्र तुम दोनों ने सिद्ध किया। देवी भूजाता, आज तुम्हें तप का फल मिल गया है। यही नहीं बाबा, आज तो मेरा कर्तव्य भी पूरा हुआ। कर्तव्य आपका और भी है, अयोध्या भी चलना है, सिंहासन रहा देख रहा है, हम पर राज्य भी करना है माँ। ये इच्छा मुझको नहीं लक्ष्मण, भूदेवी की प्रिय पुत्री हो, अपना कर्तव्य पूरा कर चुकी, अपने को निष्कलंक सिद्ध कर चुकी, अब अपनी माँ की गोद में जाकर शरण लूंगी। तो आवेश में बताओ। अमर है सीताराम, पिता पुत्र को मुकुट पहनाए, मन में रख विश्वास, सूर्य चंद्र को लिए गोद में, झूम उठा आकाश, झूम उठा आकाश। पिता को अपनी पुत्र मिल गए, रघुकुल के दो कमल खिल गए, दो कमल खिल गए। प्रेम भक्ति से आज निरख लो ये लीला अभिराम की।
कथा है सीता राम की, कथा है सीता राम की। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता हरि ओम।